दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरपाल सिंह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ISI के लिए काम कर रहा था। आरोपी हरपाल सिंह पंजाब के तरनतारन इलाके का रहने वाला है। उसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से BSF और आर्मी के सीक्रेट दस्तावेज और नक्शा बरामद किया है। पंजाब के तरनतारन निवासी हरपाल सिंह पर आरोप है कि उसने पैसों के बदले भारतीय आर्मी की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में अपने हैंडलर को बेची। उसके पास से मोबाइल फोन, सिम के अलावा कई खुफिया दस्तावेज बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी हरपाल सिंह दिल्ली में एक खास मिशन के तहत आया था। उसे यहां ISI के लिए काम करने वाले एक दूसरे शख्स को BSF और आर्मी की तस्वीरें, गोपनीय दस्तावेज सौंपना था। बताया जा रहा है कि आरोपी हरपाल सिंह कई एजेंसियों के रडार पर था। आरोपी को OSA यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से भारत पाकिस्तान बॉर्डर का नक्शा, दिल्ली स्थित आर्मी और BSF हेडक्वार्टर की फोटो, कैंट इलाके की तस्वीरों को बरामद किया गया है। स्पेशल सेल को केंद्रीय खुफिया एजेंसी से सूचना मिली थी कि तरनतारन निवासी हरपाल सिंह पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, चूंकि वो बॉर्डर के नजदीक ही रहता है और वहां तारबंदी का काम करता है, इसलिए उसे भारतीय सेना के बंकर और जवानों की मौजूदगी के बारे में पता है। इस सूचना के आधार पर स्पेशल सेल ने तकनीकी तौर पर हरपाल को अपनी रडा में लिया और इससे पता चला कि वो गत दिवस दिल्ली में अपने सहयोगी से मिलने आने वाला है। इसी के आधार पर स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल के DCP संजीव कुमार यादव के मुताबिक हरपाल से अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि वो गुरपाल सिंह नाम के युवक की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के संपर्क में आया था। इसके बाद से उसने भारतीय सेना की जानकारी बेचनी शुरू कर दी। इसके बदले में उसने हवाला के माध्यम से पैसा लिया। अभी तक वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते क्षेत्रों की काफी जानकारी बेच चुका है। यह सब कुछ उसने पैसा कमाने के मकसद से किया है। उसके खिलाफ पंजाब में हत्या के प्रयास सहित मारपीट के केस भी दर्ज है। रिमांड पर उससे पूछताछ जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।